हाय गाइस, माय नेम इज सचिन निगम और इस वीडियो में आपको आंसर करने वाला हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपने मुझसे पुरानी वीडियो Q&A में पूछे थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं मंजू मेहरा, इन्होंने बोला है हॉकाई एवेंजर्स 4 में रोनी मर जाएगा, ट्रू या फॉल्स। एक्चुअली इस बात के काफ़ी सारे सबूत हैं कि शायद एवेंजर्स 4 जो है वो सीक्रेट एवेंजर्स होने वाली है और उसके अंदर फाइनली हमें हॉकाई का न्यू रूप देखने को मिलेगा जो कि हमने सेट इमेजेस में भी देखा था, वो होगा रोनिन एक असासिन है जो अपनी फैमिली की पूरी डेथ के बाद बन जाता है हॉकाई। तो हो सकता है इन्फिनिटी वॉर में हमें हॉकाई की पूरी फैमिली जो उसके बाल बच्चे हैं बेचारे वो मरते हुए दिखाई दे, तो या इस बात के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है जय अग्रवाल ने, ये बोलते हैं भाई मैं आपके साथ एवेंजर इन्फिनिटी के दोनों पार्ट देखना चाहता हूँ। थैंक यू जय, ज़रूर देखेंगे साथ में यार, और जैसे ही आएगी आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, आप जानते ही हो। तो जैसी मूवी आएगी तो कॉन्टैक्ट भी साथ में मूवी देखने चलेंगे, नॉट एन इशू। उसके बाद है इमाम खान, ये बोलते हैं यार प्लीज इंटरेक्ट विद अस इन अ स्टाइल ऑफ सम कॉमेडी। ओके ब्रो, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा थोड़ी कॉमेडी करने के लिए, बट मुझसे होती नहीं है। हालांकि मैं बहुत ही फनी हूँ, लोग मुझे ऐसा कहते हैं, बट आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई टू प्लीज यू। उसके बाद है मार्वल डीसी न्यूज विद आरजे टाइम, ये बोलते हैं हाउ मच एक्साइटेड यू आर फॉर इन्फिनिटी वॉर एंड हाउ लॉन्ग इज दिस मूवी। एक्चुअली सब जानते हैं ये कोई भी मार्वल फैन का ड्रीम से कम नहीं है कि वो सारे के सारे इन्फिनिटी वॉर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो उसके बारे में तो मैं दोबारा बोलना ही नहीं चाहता। सेकेंड थिंग, ये मूवी बहुत लंबी होने वाली है, अगर ये 3 घंटे से कम की मूवी हुई तो इस मूवी को देखने में कोई भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हर कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम देना बहुत ज़रूरी है, और वो जब भी मिल पाएगा जब ये मूवी कम से कम 3 से 3.5 घंटे की होगी। तो अभी इस बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, बट मेरे हिसाब से एक मूवी 3.75 घंटे की होनी ही चाहिए, फिर ही मज़ा आएगा। उसके बाद है हुतियापा अनलिमिटेड, ये कहते हैं आप क्लैश ऑफ क्लैन खेलते हो, एक्चुअली मिस्टर हुतियापा क्या नाम है यार तुम्हारा, मैं क्लैश ऑफ क्लैन खेलता था पहले और मेरा टाउन हॉल 9 मैंने छोड़ा है, मैंने अभी वो खेलना बंद कर दिया है बिकॉज द गेम हैज़ बिकम सो बोरिंग, गेम बहुत बोरिंग हो चुकी है, उसमें कुछ नया नहीं बचा है, तो इसलिए मैं क्लैश ऑफ क्लैन नहीं खेलता, बट मैं क्लैश रॉयल बहुत खेलता हूँ, और इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट टू मी ऑन द क्लैश रॉयल कॉन्टैक्ट मी ऑन द फेसबुक, साथ में क्लैन बनाएंगे, मज़ा आएगा। उसके बाद है सूरज भंडारी, ये बोलते हैं आयरन मैन 4 आएगी या नहीं। एक्चुअली ब्रदर मुश्किल ही आना, क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कॉन्ट्रैक्ट आयरन मैन 3 के बाद कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के लिए और सिविल वॉर के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया, तो ये बात बहुत ही मुश्किल है कि आयरन मैन 4 आएगी या नहीं आएगी, बट मेरे ख्याल से तो ये मूवी नहीं आने वाली, तो अगर आप आयरन मैन के फैन हो तो इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर अस। उसके बाद है शरबन अहमद, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत तरीके से बोल रहा हूँ, तो ये बोलते हैं विल थानोस डाई इन इन्फिनिटी वॉर, कि थानोस इन्फिनिटी वॉर में मरेगा या नहीं मरेगा। मेरे ख्याल से अहमद ये पॉसिबल नहीं है कि थानोस इन्फिनिटी वॉर में मर जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि एवेंजर्स 4 भी आने वाली है और उसके अंदर भी थानोस का एक माइनर रोल तो नहीं मेजर रोल ज़रूर होगा, तो इन्फिनिटी वॉर के अंदर थानोस मरेगा नहीं, वो चला जाएगा, लेकिन एवेंजर्स के पार्ट 4 के अंदर जो कि शायद न्यू एवेंजर्स या फिर सीक्रेट एवेंजर्स जिसका टाइटल होगा, उसके अंदर थानोस डेफिनेटली वापस आने वाला है, बिकॉज इट हैज बीन कन्फर्म्ड बाय द जॉश ब्रोलिन, जॉश ब्रोलिन से ऑलरेडी कन्फर्म हो चुका है। उसके बाद ओसामा अली बोलते हैं ओके हु इज लेक्स लूथर, व्हाई इज ही टेकिंग रिवेंज फ्रॉम बैटमैन एंड सुपरमैन इन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी। ये बोलते हैं कि लेक्स लूथर कौन है और वो बैटमैन और सुपरमैन से बदला क्यों ले रहा है। ऑब्वियसली अगर आप एक रिच इंसान हैं तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी सिटी के अंदर आपसे ज़्यादा कोई पावरफुल हो, सेम चीज़ लेक्स लूथर भी करना चाहता है। लेक्स लूथर चाहता है कि बैटमैन सुपरमैन उसके इशारों पर चलें और कोई भी उससे ऊपर ना हो, तो इसलिए ही वो उन दोनों से बदला लेना चाहता है और इसलिए ही वो दोनों को मारना चाहता है, तो दैट इज दैट। उसके बाद सोनू दीक्षित बोलते हैं आयरन मैन और बैटमैन की फाइट में कौन जीतेगा, अपनी जानकारी के हिसाब से बताना, किसी फैन बॉय के हिसाब से मत बताना। ओके अगर फैन बॉय के हिसाब से मैं बात करूं तो बैटमैन नहीं जीतना चाहिए, आयरन मैन जीतेगा, बट अगर रियलिस्टिक वे में बात करूं तो बैटमैन आराम से आयरन मैन को हरा सकता है, बिकॉज बैटमैन इज मच मोर गुड देन द फाइटिंग ऑफ द आयरन मैन। अगर आयरन मैन की बात करें तो आयरन मैन सिर्फ और सिर्फ सूट है, कहते हैं ना स्टीव रॉजर्स ने कहा था, तो अगर सूट निकाल दे तो आयरन मैन कुछ भी नहीं है, बट बैटमैन का अगर सूट निकाल दे फिर भी वो एक मार्शल आर्ट आर्टिस्ट भी रहता है, उसने काफ़ी सारी कुंग फू सीखी हुई है और एक इतना बढ़िया बंदा है कि पूरे वेल में से जिसमें से कोई निकल पाया वो अकेला निकल गया। तो अगेन मेरी तरफ से तो मुझे ऐसा लगता है कि बैटमैन ही जीतेगा और 100% बैटमैन ही जीतेगा, अगर इन दोनों की फाइट होती है तो आयरन मैन का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद ओसामा अली अगेन पूछते हैं
कि कैन यू मेक अ वीडियो ऑन मार्वल एंड डीसी एंड ऑल टीवी शोज। डेफिनेटली मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं मार्वल डीसी के जो टीवी शोज वगैरह आते हैं जिनको मैं खुद फॉलो करता हूँ जैसे फ्लैश, तो अगर इन पे अच्छा मुझे रिस्पांस आता है जो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहेगा तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। एंड या फ्यूचर में मेरा प्लान है, बट विल हैव टू सी, विल हैव टू वेट एंड वॉच। उसके बाद है जितेंद्र त्यागी, ये बोलते हैं कैप्टन मार्वल रिलीज डेट इन हिंदी कब है और आयरन मैन 4 आएगी या नहीं आएगी। अगर मैंने आयरन मैन 4 का आंसर आपको दे दिया है, आयरन मैन 4 नहीं आएगी और कैप्टन मार्वल की रिलीज डेट 2019 में होने वाली है। ये मूवी 2019 की जुलाई के अंदर आएगी, तो जब तक वी हैव टू वेट, दो साल अभी हैं जिसके लिए हमें वेट करना है, तो वेट करो, 2019 के अंदर ये मूवी आने वाली है, तो जस्ट वेट फॉर दैट। उसके बाद है सूरज गडकरी, ये मेरे फेसबुक फ्रेंड है, इन्होंने मुझसे बोला है क्या थॉर रैग्नारॉक में जॉन सीना है। एक्चुअली शायद हाँ, बिकॉज मैट डेमन और जॉन सीना का पुराने इंटरव्यूज के अंदर उन्होंने कहा था कि एक माइनर कैमियो के अंदर शायद वो थॉर 3 रैग्नारॉक में हमें देखने को मिले, जिसमें लोकी का रोल प्ले करेंगे मैट डेमन, और जिसको आप सब जानते ही हैं, और जो थॉर है उनका रोल प्ले कर रहे होंगे एक प्ले के अंदर मिस्टर जॉन सीना, तो हो सकता है हमें ये कैमियो फाइनल देखने को मिले, और हाँ इस बात के काफ़ी सारे चांसेस हैं। उसके बाद ये अगेन मुझसे पूछते हैं डेडपुल 2 में विलन कौन है और उसकी पावर क्या है। डेडपुल 2 के अंदर जो विलन है वो है ब्लैक टॉम, और उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो क्लिक हेयर हेयर समवेयर, आप क्लिक करके डेडपुल 2 के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं वहां से। उसके बाद है करण पाटिल, करण पाटिल बोलते हैं व्हेन डिड एलिजाबेथ ओल्सन बिकम द बेस्ट पार्ट ऑफ एवेंजर्स। एक्चुअली एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर जब आपने एंड के अंदर देखा होगा कि सारे के सारे जो न्यू रिक्रूट्स होते हैं उनको कैप्टन अमेरिका ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, और तभी एलिजाबेथ ओल्सन जो कि प्ले करती हैं स्कारलेट विच, उन्होंने भी जब वो ज्वाइन किया, तो हाँ एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद ही उन्होंने एवेंजर्स इनिशिएटिव को ज्वाइन किया, और यस ही इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द न्यू एवेंजर्स बिकॉज शी हैज अ लॉट ऑफ पावर्स। इतनी पावर है कि शायद अगर डॉक्टर चेंज उसको सिखाए, जो कि मुझे लगता है इन्फिनिटी वॉर में होगा, तो शी कैन डू सम मिरेकल्स, तो डेफिनेटली थम्स अप फॉर हर। उसके बाद है फरजाना बानो, ये बोलते हैं हैरी पॉटर 8 इज कंफर्म्ड और नॉट। अगर आप सोच रहे हैं कि पुरानी कास्ट के साथ यानी डैनियल रेडक्लिफ और एमा वॉटसन और इन सारे कैरेक्टर्स के साथ में हैरी पॉटर 8 बनेगी, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं होने वाला है, बिकॉज द रीज़न इज़ के उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुके हैं, और शायद मूवी चलेगी ज़रूर बट वो शायद अब बनेगी नहीं, तो नॉट कन्फर्म्ड, एटलीस्ट आई डोंट नो कि इफ इट इज़ कन्फर्म और नॉट, मेरे ख्याल से तो नहीं है। उसके बाद है बी के बैरिया, ये बोलते हैं क्या ब्लेड आएगी या रिबूट होगी। ब्लेड डेफिनेटली एमसीयू का पार्ट होगी फ्यूचर में, बिकॉज ब्लेड की पुरानी जो फ्रेंचाइजी जिसमें मिस्टर वेस्ली स्नाइप ने रोल किया था, ही वॉज ग्रेट इन दैट, तो मेरे ख्याल से ब्लेड का नया पार्ट तो नहीं आएगा, बट हाँ वो रिबूट हो सकती है, तो वी हैव टू वेट, क्योंकि फेज फोर के प्लान्स अभी कन्फर्म नहीं है, तो हो सकता है फेज फोर में हमें ब्लेड देखने को मिले, तो या इट कैन हैपन। उसके बाद है फनी वाइन्स, ये बोलते हैं आप अपनी वीडियो में कौन सा एडिटर यूज करते हो। मैं अपनी वीडियो एडिट करता हूँ काइन मास्टर और कैमटेशिया से, कैमटेशिया 9 सॉफ्टवेयर में यूज़ करता हूँ, कभी कभार मैं काइन मास्टर और कभी कभार मैं पावर एडिटर भी यूज़ करता हूँ, तो ये 3 एडिटर हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ। इफ़ यू वांट टू यूज़ यू कैन बाय एंड देन यू कैन यूज़। उसके बाद है जयमूल अबिद्दीन, सॉरी, ये बोलते हैं भाई मार्वल ने फॉक्स के साथ डील कर ली है क्या या नहीं की है। मार्वल और फॉक्स की डील अभी भी कन्फर्म्ड नहीं है, और इस बात की कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है कि उन्होंने डील कर ली है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फॉक्स को डील मार्वल से कर लेनी चाहिए, बिकॉज उनकी एक फ्रेंचाइजी जो कि फैंटास्टिक 4 है वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, और जैसे कि आप जानते हो सोनी भी स्पाइडरमैन को नहीं संभाल पा रहे थे, लेकिन मार्वल ने स्पाइडरमैन को एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड दोबारा से बना दिया, तो अगर मार्वल के पास फॉक्स के मतलब फैंटास्टिक 4 के राइट वापस आ जाते हैं तो डेफिनेटली कुछ हो सकता है, और हाँ ये डील बहुत ही ज़बरदस्त होगी अगर होगी तो। उसके बाद करण मिस्ट्री बोलते हैं क्या ब्लैक पैंथर मूवी में हमें कैप्टन अमेरिका की टीम दिख सकती है, हमने सिविल वॉर के एंड में देखा था। हाँ बिल्कुल करण, ये पॉसिबल है, क्योंकि सिविल वॉर के एंड में जैसा कि आप देख सकते हैं कैप्टन सबको छुड़ा कर ले जाता है, और इस बात के काफ़ी चांसेस हैं कि हमें सीक्रेट एवेंजर्स टीम ब्लैक पैंथर के अंदर देखने को मिले, क्योंकि कोई ऐसा प्लेस नहीं है, अगर वो अमेरिका में रहेंगे तो जो गवर्नमेंट है वो उनको पकड़ लेगी, बिकॉज दे आर क्रिमिनल्स बाय द यूएस गवर्नमेंट, तो अगर वो वकांडा में जाके रहते हैं तो डेफिनेटली ब्लैक पैंथर की हेल्प करेगा, और शायद हमें सीक्रेट एवेंजर्स जो कि कैप्टन अमेरिका की टीम है जिसमें स्कारलेट विच, आपका हॉकआई, फॉल्कन, विंटर सोल्जर एंड ब्लैक विडो देखने को मिल सकते हैं, तो या ये पॉसिबल है।
उसके बाद हैं साहिल खान, ये बोलते हैं भाई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर मर जाएगा क्या, ये मूवी थॉर की लास्ट मूवी होगी। एक्चुअली जो पुराने पुराने एक्टर्स हैं जैसे थॉर यानी क्रिस हेम्सवर्थ, क्रिस एवांस, रॉबर्ट डाउनी जूनियर एंड मार्क रफलो, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होने वाले हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि शायद इन्फिनिटी वॉर में थॉर मर सकता है, बिकॉज उसके बाद अगर थॉर की न्यू मूवी आएगी तो उसमें नया रिबूट हमें देखने को मिल सकता है, शायद हमें एक फीमेल थॉर देखने को मिले। तो यहाँ इस बात के चांसेस हैं, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि थॉर मर जाएगा, बट इसके चांसेस हैं। उसके बाद आयन जोशी बोलते हैं हु इज द मोस्ट पावरफुल हीरो इन डीसी एंड मार्वल कॉमिक्स। मार्वल कॉमिक्स के अंदर सबसे पावरफुल जो बीइंग है वो है वन अबव ऑल, ये बहुत ही पावरफुल है, इसके पास ओमनी प्रेजेंस हर तरह की पावर है जो कि कहीं भी कुछ भी और कभी भी कर सकता है, तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये सबसे पावरफुल है। और डीसी के जो पावरफुल बीइंग है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई विल पुट अ पिक्चर हियर, आप पिक्चर देख के सर्च कर सकते हैं, आई विल पुट द नेम ऑल्सो, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है बट आई विल टेल यू इन द कमेंट्स आई थिंक, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद है राज सेन, ये बोलते हैं प्लीज मेक अ वीडियो ऑन डेथ ऑफ कैप्टन अमेरिकन कॉमिक्स। ओके ब्रो, आई विल ट्राई टू मेक इट एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा मैं बनाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद है विनोद कुमार राठौर, ये मुझे काफी अच्छे लगते हैं, काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं और इनके कमेंट्स मुझे बहुत ही पसंद है। विनोद कुमार राठौर बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू ब्रो, और हु इंस्पायर्ड यू टू मेकिंग वीडियोज ऑन मार्वल कॉमिक बुक एमसीयू और डीसीयू। एक्चुअली किसी ने मुझे इंस्पायर नहीं किया है, बट मुझे कॉमिक्स बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था बचपन से ही, मैं डीसी का बहुत बड़ा फैन था अपने बचपन में, बट अभी मैं मार्वल का बहुत बड़ा फैन हूँ, बिकॉज मार्वल ने जो कर दिखाया है वो कोई और फ्रेंचाइजी, कोई और फिल्म इंडस्ट्री नहीं कर पाई बहुत टाइम से। तो हाँ, किसी ने मुझे इंस्पायर नहीं किया है, सिर्फ मुझे मूवीज अच्छी लगती थी देखना, तो इसलिए मैंने अपना चैनल शुरू किया, एंड आप लोगों का सपोर्ट इतना अच्छा है कि टुडे वी हैव 1050 सब्सक्राइबर्स, सो दिस इज ऑल यू, यू इंस्पायर्ड मी, यू आर ग्रेट। उसके बाद है मोहित चौरसिया, ये बोलते हैं भाई वीडियो बनाने में कौन सा कैमरा यूज़ करते हो। एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए मैं मेरे पास बहुत सारे कैमरे हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, कभी कभार मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग करता हूँ, कभी कभार मैं अपने कैनन पावर शॉट A200 से रिकॉर्ड करता हूँ, कभी कभार मेरे पास एक और फ़ोन है मोटो G5, उससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो काफ़ी सारे कैमरेज हैं मेरे पास जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मेरे मोटो G3 से हो रही है, जो कि 3 साल पुराना फ़ोन है, बट स्टिल इट इज़ द बेस्ट फ़ोन, तो मैं इससे फिलहाल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अमीर नहीं हूँ ज़्यादा। उसके बाद है इन एम सी, ये है अदनान सायल, ये बोलते हैं एमसीयू में मैग्नेटो क्विक सिल्वर का बाप है। एमसीयू में क्विक सिल्वर का बाप मैग्नेटो नहीं है, बट फॉक्स के अंदर जो क्विक सिल्वर है, यानी जो क्विक सिल्वर आपने एक्समैन अपोकलिप्स और डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखा है, उसके फादर एक्चुअली में मैग्नेटो है, और इस बात का पूरा रेफरेंस एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में दिया हुआ है, तो एमसीयू में नहीं है लेकिन फॉक्स के जो यूनिवर्स है उसके अंदर ये पॉसिबल है और है एक्चुअली में। उसके बाद हैं अक्षय सबार, ये बोलते हैं मैं थानोस और किस एवेंजर्स के बीच में फाइट देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। अच्छा, मैं किस में एक्साइटेड हूँ, मैं थानोस और आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की फाइट देखने में बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज कैप्टन अमेरिका एक सुपर अनाउंस सोल्जर है, तो मैं जरूर देखना चाहूंगा कि वो थानोस से किस तरह से लड़ता है और उसका रिजल्ट एंड में क्या आएगा, तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके बाद हैं जयराज, ये बोलते हैं कंग्रेचुलेशन, थैंक यू ब्रो। उसके बाद है हैकर बोलता है तू मुझे इग्नोर करता है ताकि मैं तुझे कंपटीशन ना दूं, तू किससे वीडियो एडिट करता है, मैंने तुझे 100 बार पूछा है तू नहीं बताता। एक्चुअली ब्रो मैंने आपको हर बार रिप्लाई किया है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ काइंड मास्टर पावर एडिटर और कैमटेशन से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप मुझे कॉम्पिटिशन दो, बिकॉज उससे हम दोनों को फायदा होगा, मैं आपको कॉम्पिटिशन दूंगा तो आप अच्छे से ग्रो करोगे, आप मुझे कॉम्पिटिशन दोगे तो मैं अच्छे से ग्रो करूंगा, तो दोनों के लिए बेनिफिट है, तो डेफिनेटली कम इन द लाइन। उसके बाद है आशिक, ये बोलते हैं कीप इट अप भाई, थैंक यू ब्रो। उसके बाद है फैजल अली, ये बोलते हैं भाई बढ़िया बनाते हो, थोड़ा हंस भी लिया करो। एक्चुअली फैजल मैं बहुत ही फनी इंसान हूं अगर देखा जाए तो, बट ऑन कैमरा ऑन माय रियल पर्सनालिटी आई एम आल्सो अ वेरी वेरी सीरियस गाय, तो अगर मैं कैमरे पर हंसता कम हूं तो उसके लिए सॉरी यार, मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा उसको इंप्रूव करने के लिए, थोड़ा जोक लिख देना नीचे कमेंट में तो मैं हंस जाऊंगा। उसके बाद है अजय दत्त के 3 क्वेश्चन है, मैं उसमें से एक ही पढ़ूंगा, यह है इनह्यूमन की मूवी आएगी या नहीं आएगी। इनह्यूमन की मूवी अब नहीं आने वाली, बिकॉज मार्वल ने वो प्रोजेक्ट स्क्रैप करके इनह्यूमन का शो बना दिया जो कि बिल्कुल ही बेकार है, मैंने एक एपिसोड देखा और मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, तो इनह्यूमन की मूवी अगर फ्यूचर के अंदर मार्वल वालों को अकल आ जाती है तो हो सकता है बना दें, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये पॉसिबल अब नहीं होने वाला, तो भूल जाइए इस बारे में। उसके बाद है मोहम्मद आमिर, ये बोलते हैं भाई हल्की कोई सोलो मूवी फ्यूचर में आ सकती है, आपका क्या ख्याल है इस बारे में। एक्चुअली ब्रो कुछ दिनों पहले हमें ये सुनने को मिला कि मार्क रफलो ने हम इंटरव्यू के अंदर कहा था कि हल्की अगर सोलो मूवी आएगी भी
तो उसमें मैं नहीं हूंगा क्योंकि हल्क के जो प्रॉपर राइट्स हैं वो एमसीयू मार्वल के पास नहीं है, वो सारे के सारे राइट्स जो है वो यूनिवर्सल के पास है। तो अभी इस बात की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। मार्वल ने जो 50% तो नहीं 49% जो सॉरी यूनिवर्सल ने 49% जो शेयर्स हैं जो कि राइट्स जो मार्वल को दे दिए हैं, तो इसलिए ही हल्क आपको अवेंजर्स मूवी में टीम मूवी के अंदर देखने को मिल सकता है। बट सोलो मूवी नियर टू इम्पॉसिबल है, मैं कहूंगा 90% इम्पॉसिबल है, 10% पॉसिबल है, फ्यूचर में हो सकती है बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर होगी भी तो मार्क रफलो ने तो कहा है कि अगर होगी भी तो शायद उसमें मैं ना हूं, तो अगर मार्क रफलो मूवी के अंदर नहीं होंगे तो उस मूवी को देखने कोई मजा ही नहीं, राइट कोई फायदा नहीं उसको देखने का। उसके बाद है AS कुणाल, ये बोलते हैं व्हाट इज द बजट ऑफ इन्फिनिटी वॉर एंड कंग्रेचुलेशन फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। थैंक यू ब्रो। और इन्फिनिटी वॉर का जो बजट है वो है $1 बिलियन, $1 बिलियन, $1 बिलियन, जिसमें से $200 मिलियन तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर की फीस है। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कितनी बड़ी मूवी होने वाली है। मेरे ख्याल से सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। अगर 1 बिलियन वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्वल 1 बिलियन से 2 से 3 बिलियन कमाना भी जानती है। तो डेफिनेटली ये मूवी ह्यूज होने वाली है एंड वी हैव टू वेट फॉर इट। उसके बाद है द लाफिंग एक्सप्रेस, ये बोलते हैं क्या भाई अवेंजर बोर के बाद थॉर फीमेल थॉर आगे के थॉर का क्या होगा। अवेंजर 4 के बाद मैंने जैसा कहा कि थॉर की स्टोरी खत्म हो सकती है और शायद हमें फीमेल थॉर देखने को मिले, इस बात के बहुत सारे चांसेस हैं बट वी हैव टू वेट और उसके बाद ही हमें पता चलेगा। उसके बाद दीपक तिवारी बोलते हैं आयरन मैन इन्फिनिटी वॉर में मरेगा क्या। यस, इस बात के 110% चांसेस हैं कि इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन मर जाएगा। मैं इन्फिनिटी वॉर अवेंजर्स 3rd पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों इन्फिनिटी वॉर पार्ट की बात कर रहा हूं बिकॉज इसका कंफ्यूजन पिछले वीडियो के अंदर हो गया था। तो इस बात के बहुत सारे चांसेस हैं कि आयरन मैन मर जाएगा बट ना मरे तो बेटर है बिकॉज आई लव रॉबर्ट डाउनी जूनियर, बट देखते हैं क्या होता है। उसके बाद है टेल मी थानोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट कहां से उठाता है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट थानोस के गॉन्टलेट वॉल्ट के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ था क्योंकि 2012 के अवेंजर से पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट लोकी गुजरना शुरू कर चुका था, यानी उसके पास ऑलरेडी ग्लव था, उसको सिर्फ और सिर्फ जैम असेंबल करने थे, तो उसके वॉल्ट में वो ग्लव पड़ा हुआ है, सिंपल। उसके बाद ये एमए खान बोलते हैं कि फंटास्टिक फोर MCU का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी। मैंने वही बताया कि अभी तो कंफर्म नहीं है इस बारे में कुछ भी, बट अगर बनेगी तो इट विल बी मच बेटर फॉर एवरीबॉडी। तो मैं चाहता हूं MCU का पार्ट फंटास्टिक फोर बने, इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। उसके बाद है शाहिद एसके, ये बोलते हैं भाई आयरन मैन 4 कब आएगी। नहीं आएगी भाई, आयरन मैन 4 नहीं आएगी, आएगी तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं होंगे, और अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर होंगे तो उनका मेल रोल नहीं होगा, किसी और का होगा, तो वेट फॉर दैट। उसके बाद है बीट्स नाउ, ये बोलते हैं भाई कंग्रेचुलेशन फॉर 1K सब्सक्राइबर्स, थैंक यू ब्रो। उसके बाद बोलते हैं एडम वॉरलॉक पर सोलो मूवी आएगी क्या, वो एक गार्डियन ऑफ गैलेक्सी का पार्ट रहेंगे। यस, वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का पार्ट जरूर रहेंगे गार्डियन ऑफ गैलेक्सी पार्ट 3 के अंदर, बट उन पर सोलो मूवी नहीं आने वाली, लेकिन हमें शायद ग्रूट और रॉकेट पे सोलो मूवी देखने को मिले, लेकिन एडम वॉरलॉक मुश्किल है। उसके बाद है लकी राजेश वेंगला, सॉरी मैं अगर आपका नाम गलत पढ़ रहा हूं, तो यह क्विक सिल्वर पहले कभी नहीं दिखता था पर लोगों ने उसे कैसे जानता है। एक्चुअली लोगों ने उसको नहीं जानता है, उसको लोगों को कहीं से जानकारी मिलती है उसके बारे में, तब वो वहां पे उससे मिलने जाता है, लोगों को पता नहीं होता है क्विक सिल्वर कौन है। हालांकि क्विक सिल्वर एग्जिस्ट करता था उस यूनिवर्स के अंदर बट लोगों को पता नहीं होता है, उसको कोई बताता है शायद एक्समैन के अंदर, या तो प्रोफेसर एक्स बताता है या फिर शायद बीस्ट बताता है, उसके बाद वो उससे मिलने जाते हैं। उसके बाद है भाई यह है समीर गैमिट, ये बोलते हैं भाई अवेंजर इन्फिनिटी वॉर में टोटल कितने सुपर हीरो होंगे। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ये कहती है कि उस मूवी के अंदर टोटल 70 कैरेक्टर्स होने वाले हैं। अभी 70 कैरेक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, आप गिन सकते हो, लिस्ट आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मैं उसमें पोस्ट कर दूंगा, आप पढ़ सकते हो उसमें कौन कौन से सुपर हीरो कौन कौन से एक्टर होने वाले हैं उस फिल्म के अंदर। उसके बाद है जैक्स माथुरू, ये बोलते हैं कंग्रेचुलेशन ब्रो, यू आर ग्रेट, थैंक यू फॉर ऑसम वीडियोस। थैंक यू ब्रो, आप मुझे सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो, बहुत ग्रो करेंगे साथ में, बहुत ही मजा आएगा और आई अप्रिशिएट द हैप्पीनेस व्हाट यू आर गिविंग मी, थैंक यू। उसके बाद है दौलत राठौर, ये बोलते हैं भाई अवेंजर्स 3 का प्लॉट क्या होगा और अवेंजर्स 4 का प्लॉट क्या होगा। अवेंजर्स 3 के प्लॉट पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, कन्फर्म्ड नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और सो यहाँ पे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वर्स्ट पार्ट पूरा कवर किया हुआ है कि अवेंजर्स 3 के अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद है अब्दुल बशीर, ये बोलते हैं 2018 में कितनी वीडियोज आ रही हैं। ब्रदर 2018 में मैं कोशिश करूंगा हर महीने हर हफ्ते आपको 3 वीडियो देने की कोशिश करने की,
आप मुझे सपोर्ट करते रहना और मैं आपको बेस्ट कंटेंट देता रहूंगा। तो बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं आंसरिंग योर क्वेश्चन। उसके बाद है शरीम खान, ये बोलते हैं क्या गैम्बिट मूवी आ रही है और उसमें विलन कौन होगा। गैम्बिट मूवी आ रही है और जो उसमें स्टार होंगे वो होंगे मिस्टर चैनिंग टैटम, जो मुझे बहुत पसंद है, और उसके अंदर जो विलन होने वाला है मेरे हिसाब से वो होगा मिस्टर सिनिस्टर। तो अगर मिस्टर सिनिस्टर इस मूवी का विलन होता है तो मजा ही आने वाला है, बिकॉज मिस्टर सिनिस्टर इज द बेस्ट विलन जो अभी एक्समैन के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। तो मैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से मिस्टर सिनिस्टर इस मूवी का विलन होगा। उसके बाद है रकीब ह्यूमैनिटी, ये बोलते हैं कंग्रेचुलेशन फॉर 1K सब्सक्राइबर, थैंक यू अगेन ब्रो। उसके बाद है आपको मार्वल और डीसी में से कौन सा ज्यादा फेवरेट है। ब्रदर मैं मार्वल और डीसी में हमेशा मार्वल प्रेफर करता हूँ, बिकॉज मुझे डीसी बचपन में पसंद थी, अब डीसी पसंद नहीं है क्योंकि उन्होंने जो 2-3 मूवी बनाई है वो कुछ ज्यादा चली नहीं है। और डीसी के बारे में मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि उनकी हर मूवी काली होती है यार, कोई दिन का सीन नहीं होता, मतलब बिल्कुल ब्लैक। अगर थोड़ी लाइटिंग उनको बढ़ानी चाहिए मूवी के अंदर तो शायद लोगों को पसंद आए, बट हाँ अगर डीसी के फैन हो तो मुझे गाली मत बकना कमेंट सेक्शन में। मैं मार्वल का पर्सनली फैन हूँ, डीसी का भी फैन हूँ, बट इतना नहीं, मैं मार्वल की तरफ ज्यादा लीन करता हूँ, तो मार्वल इज माई फेवरेट। उसके बाद है हर्ष चौधरी, ये बोलते हैं ब्रो आप क्या सोचते हो कौन कौन से कैरेक्टर इन्फिनिटी वॉर में मरेंगे और मूवी का क्लाइमेक्स क्या होगा, जस्ट अ प्रेडिक्शन करना होगा मुझे। देखो आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ये डेफिनेटली मरेंगे क्योंकि इनके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, क्लाइमेक्स मूवी का ये होगा कि किसी वजह से थानोस वापस चला जाएगा या फिर गायब हो जाएगा या फिर हरा दिया जाएगा थोड़े पार्ट के लिए, लेकिन एवेंजर्स 4 में थानोस वापस आएगा और हमें वो अगेन देखने को मिलेगा। तो आयरन मैन कैप्टन अमेरिका मरेंगे और मूवी का क्लाइमेक्स सही होने वाला है कि थानोस चला जाएगा, बिकॉज थानोस इतना पावरफुल है कि वो मरेगा नहीं, वो वापस आएगा एवेंजर इन्फिनिटी वॉर पार्ट 4 के अंदर। तो वी हैव टू वेट फॉर दैट। उसके बाद है राजेंद्र जायसवाल, ये बोलते हैं एवेंजर 4 में ब्लू बर्ड होगी क्योंकि गूगल की एवेंजर 4 में कास्ट में कंफर्म है। एवेंजर 4 के अंदर न्यू कैरेक्टर्स हो सकते हैं और शायद ब्लू बर्ड भी हमें देखने को मिले। एक लेडी को कास्ट किया गया है, एक एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है ब्लू बर्ड के रोल में, बट जब तक ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं आती तो आई कांट से कि इसमें ऐसा होने वाला है, तो लेकिन हाँ चांसेस हैं। उसके बाद हैं अतुल, ये बोलते हैं शज़ाम कब आ रही है। शज़ाम आएगी 2019 या 2020 के अंदर आएगी, और मेरे ख्याल से जो उसके हीरो होंगे वो होंगे मिस्टर जॉन सीना, और जो विलन होगा वो होगा हमारे प्यारे ड्वेन जॉनसन, जो कि प्ले करेंगे ब्लैक एडम का रोल। आई लव हिम, रियली आई लव हिम। तो हो सकता है वो मूवी जल्दी आए 2019 या 20 के अंदर और हमें जॉन सीना देखने को मिले रोल में, पॉसिबल है। उसके बाद है राजकुमार, ये बोलते हैं डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में लोगन को क्विकसिल्वर के बारे में कैसे पता। अगेन मैंने आपको बता दिया कि क्विकसिल्वर के बारे में उसको बताया जाता है, और हैरी पॉटर की मूवी, कोई मूवी आ रही है नहीं आ रही है, हैरी पॉटर रिबूट हो रही है हाँ डेफिनेटली, लेकिन एक मूवी है जो कंसेप्ट आपने शायद सुना भी होगा, हैरी पॉटर द कर्स्ड चाइल्ड, जो कंफर्म नहीं है बट शायद आए, लेकिन पुरानी कास्ट इम्पॉसिबल है आना, तो डाउट इज दैट। उसके बाद है भावेश जायसवाल, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट बी विद मी। उसके बाद है भाई क्या स्पाइडरमैन यूनिवर्स से जुड़ा है, स्पाइडरमैन यूनिवर्स एमसीयू से जुड़ा है। यस, मार्वल का स्पाइडरमैन जो है वो एमसीयू से जुड़ा है, बट सोनी के स्पाइडरमैन की अगर हम बात करें जो कि वेनम, स्पाइडर सिल्क या फिर स्पाइडर वुमन वगैरह है, ये एमसीयू से जुड़ा हुआ नहीं है, बट शायद फ्यूचर के अंदर सोनी और मार्वल कोई डील करें और शायद हमें दोनों हीरो एक दूसरे की मूवी के अंदर जाते और आते हुए दिखें, तो हो सकता है। उसके बाद है आशिक, ये बोलते हैं फ्यूचर में हल्की मूवी आएगी या नहीं आएगी, कंफर्म नहीं है, मार्क रफल होने वाला मेरे को लेकर कोई मूवी नहीं आएगी, लेकिन शायद पॉसिबल हो, यूनिवर्सल के पास राइट है, मार्वल के पास इसके राइट नहीं है। उसके बाद है सुपर वीडियोस बाय मी, ये बोलते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू में 50% और 70% से ज्यादा पैसा दूसरे एक्टर से क्यों कमाते हैं। एक्चुअली यू शुड नो रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू की नींव है, अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं होते शायद एमसीयू आज के डेट में नहीं होता, और इसलिए ही एमसीयू यानी मार्वल उनको दबाकर पैसे देता है, क्योंकि अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर मना करते हैं किसी मूवी में आने से पहले तो शायद वो मूवी इतनी चलेगी नहीं, क्योंकि मार्वल के अंदर, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आयरन मैन के जो फैन हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं, बहुत बहुत ज्यादा हैं। आप इस बात का अंदाजा जैसे ही लगा सकते हो कि सिविल वॉर के लिए क्रिस एवंस को मिले थे, जो कि मेन एक्टर थे जिनके नाम पर मूवी बनी है कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर, उनको मिले थे 7 से 8 मिलियन रुपीज, लेकिन हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एक रिपोर्ट ने कहा था कि उनको मिले थे लगभग $35 मिलियन। तो आप लगा सकते हो हिसाब के कितने वो इंपॉर्टेंट है मार्वल के लिए, अगर मार्वल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते तो शायद वो मार्वल नहीं होता आज के डेट में। उसके बाद है मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ बिकॉज वो डुप्लीकेट क्वेश्चन है, मैंने दोबारा बता दिए हैं ऑलरेडी। उसके बाद है विच इज माय फेवरेट मार्वल एंड डीसी, मेरा फेवरेट मार्वल है अगेन। उसके बाद है ये बोलते हैं लालजी अहिर, फंटास्टिक फोर के राइटर मार्वल के पास आ गए हैं या नहीं।
अभी कंफर्म नहीं है कि फैंटास्टिक फोर के राइट मार्वल के पास आए हैं या नहीं, बट फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली पॉसिबल है कि शायद आ जाए। वी हैव फिंगर क्रॉस्ड फॉर दैट। उसके बाद है मूवीज डाउनलोडर, ये बोलते हैं कि आपको लगता है कि अवेंजर इन्फिनिटी वॉर में सब फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़कर नंबर वन पे आएगी। यस, मैं पूरा ऑप्टिमिस्टिक हूं, क्योंकि अगर मार्वल $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो इस पैसे को वापस लेना जानता है, और मेरे ख्याल से ये मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़कर नंबर वन पे जरूर जरूर 100% आएगी। तो मैं तो पूरा पूरा सपोर्ट करता हूँ इस चीज को। तो ये हो गई क्वेश्चन हमारे आज के लिए, बस इतना ही। अगेन वीडियो अगर गाइज आपको अच्छी लगी हो, मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, बट क्वेश्चन आंसर वीडियो लंबी हो ही जाती है। सेटअप मेरा कुछ खास अच्छा है नहीं, बिकॉज मैं यू नो जस्ट स्टार्टेड मेकिंग द वीडियोस। और अगेन वीडियो अच्छी लगी हो तो बिग हिट करो बिग लाइक, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोबारा। और ऐसे ही मार्वल और डीसी के वीडियो देखने के लिए और अगेन नए क्वेश्चन आंसर वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब रहेगा चैनल पे, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करो अगर नए हो तो, अगर नए हो तो बेल आइकन को भी दबाओ, उस पर सब कुछ करो, मुझे नहीं पता क्या करो, बट सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। दिस वॉज सचिन निगम साइनिंग ऑफ, और मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूंगा। बाय बाय मार्वल फैंस एंड बाय बाय डीसी फैंस।